Ego is an attachment to a wrong image of myself. What is wrong image? दो इमेज है, एक सही इमेज, एक सच्ची इमेज है और एक रॉन्ग इमेज है. वॉट इज सच्ची इमेज? सच्ची इमेज इज वाइटल फोर्स. वी आर वाइटल फोर्स ना, वी आर नॉट बॉडी माइंड इंटेलेक्ट. वी आर द वाइटल फोर्स गोइंग थ्रू द बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, राइट ना. सो ईगो इज एन अटैचमेंट टू द रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ, दैट इज माई बॉडी, माई नेम, माई फैमिली, माई डिग्री, एवरीथिंग दैट वॉज माइंड. वी कॉल इट एज आई एंड वी फॉरगेट द रियल मीनिंग ऑफ आई. आज की डेट में क्या है? ये मेरा टी शर्ट है, मेरा है, ये मेरा वॉच है, ये मेरा, ये मेरा शूज है, मेरा है, ये मेरा हॉल है, मेरा, ये मेरे स्टूडेंट है, मेरे है, ये मेरा कैमरा है, मेरा है, ये सब मेरा 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 चल रहा है ना. दैट इज रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, रॉन्ग अटैचमेंट. एंड अटैचमेंट टू द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन इज द डिजीज. गेटिंग माय पॉइंट्स? व्हाट इज डिजीज? डिजीज इज नथिंग बट अटैचमेंट टू द रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन इज डिजीज. प्रैक्टिकल फॉर्म में कैसा होता है देखिए. शादी होती है ना लड़के की लड़के की, वो लड़की है ना दिमाग में सोच की जाती है कि मेरा हस्बैंड ऐसा होगा, मेरा हस्बैंड ऐसा होगा. वैसा होता है क्या जैसे उसको लगता है वैसे? 100% नहीं होता यार. लड़का लड़की के बारे में मेरी वाइफ ऐसी होगी, मेरी वाइफ ऐसी होगी, इमेज फॉर्म करते हैं. माँ अपने बेटे के लिए या बेटी के लिए, मेरा बेटा ऐसा होगा, मेरा बेटा ऐसा होगा, इमेज फॉर्म करते हैं, राइट और रॉन्ग. या मेरी बेटी ऐसी होगी, मेरी बेटी ऐसी होगी, इमेज फॉर्म करते हैं. फ्रेंड के बारे में, मेरा फ्रेंड ऐसा होगा, मेरा फ्रेंड ऐसा होगा, मेरे को जैसा लगता है वैसा होगा, दैट इज अ इमेज. कहीं ना कहीं एक दिन आम के झाड़ को आम लगना लगते हैं ना, आम को आम ही लगेंगे. लेकिन क्या कर रहा है दोस्त? मेरा पेड़ आम का नहीं है, इमेजिन कर रहा है अंदर से. मेरा पेड़ आम का नहीं है, मेरा पेड़ चीकू का है. आज चीकू लगेगा, एक साल के बाद चीकू लगेगा, दो साल के बाद चीकू लगेगा, 10 साल के बाद चीकू लगेगा. अरे साले वो तो आम का झाड़ है, चीकू कैसे लगेगा? दैट इज अ रॉन्ग इमेज यू हैव फॉर्म इन द माइंड. एंड अटैच टू द रॉन्ग इमेज इज कॉज डिजीज. यू गेट माय पॉइंट? क्या हो रहा है आज की दुनिया में? घर में देखो, रिलेशंस में देखो, सब तरफ यही हो रहा है ना. क्यों हर्ट हो रहे हैं हम लोग? हर्ट क्यों हो रहे हैं? क्या एक्सपेक्टेशंस? सही एक्सपेक्टेशंस नहीं है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सही इंसान. एनीवे पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि इनके पास ब्लू कलर है ना, तो ब्लू कलर मांगो ना यार, दे देगी ये. लेकिन इसके पास जा रहे हो और हम बोल रहे हैं कि यार अरे रेड कलर दो, रेड कलर दो, नहीं मिलेगा. ये तो प्रॉब्लम चल रहा है. ऐसे है ना प्रॉब्लम सबके घर में क्या? नहीं है. रिलेशंस में प्रॉब्लम है ना. मुझे लगा था यार उसके पास पैसा होगा लेकिन दिया नहीं. मुझे लगा था मेरे को प्यार करेगी लेकिन प्यार किया नहीं. मेरे को लगा था इसने रिस्पेक्ट देने चल लेकिन दिया नहीं. सब प्रॉब्लम रिस्पेक्ट, प्यार और सपोर्ट से तो चल रहा है. ईगो ही है और क्या है. ये देखो, फैमिली से फैमिली पर रहना इज नॉट बैड. मैंने जैसे पहले लेक्चर में कहा था, इन्वॉल्वमेंट एंड डिटैचमेंट, राइट और रॉन्ग. इन्वॉल्वमेंट होना ही चाहिए. जब तक इन्वॉल्व नहीं होगे तब तक आपको वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए. मैं इनसे अगर प्यार करता हूँ तो इनसे मैं इन्वॉल्व होना चाहिए, इनमें तभी मैं प्यार कर पाऊँगा. नहीं तो मैं प्यार तो करता हूँ ऐसे मन से बोल रहा हूँ, जा रहा हूँ, बैठ रही है, प्लीज़ डोंट टच मी बिकॉज आई एम डिटैच टू यू, ऐसा नहीं चलेगा ना. जब तक वो सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप इन्वॉल्व होना ही चाहिए. जैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं तो दूसरे सिचुएशन में जाना है वो, दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट. फैमिली, फ्रेंड्स, सबको इन्वॉल्वमेंट, सब तरफ इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए. और एक्सपेक्टेशंस अगर होनी भी है तो राइट एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए. अरे बेटा क्या कर रहा है, इमेज की तरफ फॉर्म हो रही, तू सोच रहा है ऐसा, क्या हो रहा है क्या पता. लेकिन खुद जो इमेज क्रिएट करते हैं उस इमेज को अगर कोई टच करता है, दैट इज ईगो. ओके, आगे. ओनली, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली रॉन्ग आइडियाज कैन नॉट कॉजेज डिस्टर्बेंसेस. ओनली रॉन्ग आइडिया कैन नॉट कॉजेज डिस्टर्बेंसेस, बट अटैचमेंट टू द रॉन्ग आइडियाज कॉजेज डिस्टर्बेंसेस. दैट इज नेम, प्लेस, ए पर्सन एंड आइडियाज. रॉन्ग आइडिया आना इज नॉट डिफिकल्ट, नॉट प्रॉब्लम ना. दिमाग में अपने कितना गंदा चलता रहता है, अच्छा चलता है, गंदा चलता रहता है कि नहीं रहता. लेकिन अगर उस पर अटैच रहते हैं उस अच्छाई को और गंदगी को, दैट इज कॉजेज डिजीज.